तो रास्ते से गुजर रहे थे और नज़र पड़ी एक रेस्टोरेंट पे, ठिकाना रेस्टोरेंट, और उसका भी कैप्शन चाय चाय और गपशप से शुरू होता है। गाइस, ये रेस्टोरेंट में इतनी सारी वैरायटीज़ है, जब मैंने देखा यहाँ पर, मैंने शायद ही कोई ब्लॉग किया रहेगा जिसमें एक साथ इतनी सारी वैरायटी, यानी कि बन मस्का, मैगी, पिज्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, सैंडविच, फ्राइज, और इनकी स्पेशलिटी लाइक जूसेस भी है, अलग अलग तरह के मॉकटेल्स, लेमनेड, जो आप सोच सकते हो एक रेस्टोरेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम रहेगा तो आप इसको एंजॉय करेंगे गाइस। सो अभी सिर्फ 5 मिनट लीजिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, ग्लूकोमीटर को एक्टिवेट कर लीजिए और शुरू करते हैं वीडियो को। चाय चाय गाइज़, यहाँ पर पहला ऑर्डर आ चुका है जो कि है ब्रू बेरी कूलर, और यहाँ की फेमस रेकमेंडेड चाय है, मेरी फेवरेट मिंट पुदीना चाय। सो ये लोग ने स्पेशली कूलर में दी है, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। प्लस ब्रू बेरी कूलर में भी ये लोग ने स्पेसिफिकली पुदीना डाला है, विच इज़ क्वाइट ग्रेट यार, क्वाइट ऑसम। सो लेट्स एक्सपीरियंस दिस। अपना चाय निकालते हैं, पहले तो चाय पीते हैं। तो भाई लोग, ये है नाथद्वारा स्पेशल पुदीना चाय। तो गुजराती वाले माटा तो एकदम फेमस चा छे। वाह, ऑसम। दिस इज़ ग्रेट। सो शुरुआत करते हैं चाय से, एज आप देख रहे हैं चैनल चाय चाय, और आगे और भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं जो आपने ऑलरेडी मेनू कार्ड में देख लिया होगा। सो बने रहे चैनल पे। सो गाइस, ये सेकेंड ऑर्डर जो हम लोग ने किया था वो आ चुका है, और ये यहाँ का कूलर्ड पिज़्ज़ा, अ स्पेशलिटी आइटम स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाय द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। नाउ इसमें स्पेशलिटी ये है कि कूलर्ड में जहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं उसी चीज़ में ये पिज़्ज़ा आ गया है, और साथ ही साथ ये लोग ने ओरिगानो और ये स्पाइसी चिली फ्लेक्स भी अलग से दिया है, और इस कोटिंग के अंदर हम लोग देख सकते हैं स्टफिंग, ढेर सारे स्टफिंग किए हुए। सो लेट्स हैव अ चेक। तो देखिए, मैंने ये जस्ट कोटिंग निकाला है, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे सो ढेर सारे स्टफिंग है। स्टफिंग्स इंक्लूड एंड नॉट लिमिटेड टू चीज़, कैप्सिकम, कॉर्न, और जनरली टोमेटोज, और अपनी नॉर्मल पिज़्ज़ा वाली चीज़ें। तो ये कुछ अलग स्पेशलिटी आइटम थी, सो वी वॉन्टेड टू ट्राई इट। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ इट टेस्टेस। बने रहे, छोटा सा बाइट लेते हैं। ओके, ये मैंने स्टफिंग्स का पूरा एक छोटा सा चंक लिया है। ओके, दिख रहा है, ग्रेट। नाउ लेट्स हैव अ टेस्ट। ऑसम। टिपिकली कैसा पता है, लिटरली कॉर्न इतना फ्रेश है कि उसको, ब्यूटीफुल। आई हैव एक्चुअली नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। लाइक जब मुझे दिखा था ना, तो मुझे लगा इतना छोटे में पिज़्ज़ा कैसे आ सकता है, बट कम ऑन, दिस इज़ अ न्यू स्पेशलिटी, सो ट्राई करना था। तो बढ़िया है यार, और ऐसा पूरा एकदम ऐसा क्रेव कर करके खाने में मज़ा ही अलग है। आई डोंट लाइक इट। सो दैट्स इट। चेक आउट मोर इन द वीडियो में आगे देखिए कि और क्या क्या नया नया यहाँ पर खाने के लिए है। वैसे तो बहुत कुछ है, बट यू विल सी टुडे एक्सक्लूसिवली ऑन चाय चाय। बने रहे चैनल।
द थर्ड आइटम इज हियर एंड एज यू ऑलरेडी सॉ द वर्ल्ड बेस्ट मैगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनका मेनू कार्ड बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैगी क्यों है और ये बताने के लिए इस बार मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, हमारे साथ यहाँ के ओनर है मिस्टर स्वप्निल, जो अपने को पूरी डिटेल्स देंगे वर्ल्ड बेस्ट मैगी क्यों है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्चुअली इंजीनियरिंग के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए मैगी कुक किया करता था, तो आई वॉन्टेड टू मेक अ हेल्दियर ऑप्शन, और हेल्दियर ऑप्शन बनाने के चक्कर में मैंने थोड़ा सब्जियों के साथ इसमें ट्राई किया कुछ ना कुछ डालना, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये थोड़ा अनियन, कैप्सिकम, टमाटो, ये बहुत बेसिक कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो घर में होती हैं, एंड आई स्टार्ट ट्राइंग टू फ्राई इट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज किया, अपने कुछ मसाला ऐड करने शुरू किए, एंड दैट्स द पॉइंट जब मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई ये वर्ल्ड बेस्ट है, तो तब से मैं अपनी मैगी को वर्ल्ड बेस्ट मैगी क्लेम करने लग गया, एंड नाउ यू नो द पीपल कमिंग अराउंड हियर और जो भी यहाँ पे हमारे कस्टमर्स आते हैं, एवरीबडी इज़ बिग टाइम फैन ऑफ दिस वर्ल्ड बेस्ट मैगी, सो दैट्स हाउ वी हैव नेम्ड इट एज वर्ल्ड बेस्ट मैगी। तो पहले तो मेरा खुद का क्लेम था, बट नाउ इट इज़ अ प्रूवन रेसिपी दैट इट इज़ यस वन ऑफ द बेस्ट मैगी ऑफ द वर्ल्ड। ओके सो नाउ लेट्स ट्राई द वर्ल्ड बेस्ट मैगी विद मिस्टर स्वप्निल। बस एक ही चीज़ कहूँगा, चाय चाय।